गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, अगर आपको लाइफ में अपने जो आपने जो गोल सेट किया है, आपकी जो एम है, आपका जो लक्ष्य है, अगर उस लक्ष्य तक आपको पहुंचना है तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि आप समय का कैसे सदुपयोग करते हो। अगर आप टाइम को वेस्ट करते हो, अगर आप टाइम की कदर नहीं करते हो, तो फिर आप जिस भी लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हो ना, जो भी तुम्हारा एम है, वो एम आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। टाइम कैसे मैनेज करना होता है, थोड़ा इस पे बातचीत करते हैं। देखिए, जैसे कि आप देखो, स्कूल में जब आप आते हो तो स्कूल में भी एक प्रॉपर टाइम टेबल है ना। आपको पूरा एग्जैक्टली पता होता है कि असेंबली कब शुरू होनी है, कब खत्म होनी है, कब आपकी पहली क्लास होनी है, फिर कब गेम्स पीरियड होना है, कब रिसेस होनी है। इसमें प्रॉपर टाइम टेबल से आप देखो तो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है स्कूल की, है ना, और आपको प्रॉपर वे में जो है नॉलेज जो है वो डिलीवर की जाती है। अगर ये टाइम टेबल ना हो तो क्या होगा, तो टोटल तुम देखोगे कि हॉज पॉज सिस्टम हो जाएगा, कोई समझ नहीं लगेगी कब आपने साइंस पढ़नी है, कब आपने मैथ पढ़ना है, कब आपकी गेम्स पीरियड होना है। तो यानी कि कुछ भी जो आप काम करना चाहते हो स्कूल में, वो एक वेल मैनर्ड वे में नहीं होगा, और जिसका फिर रिजल्ट ये होगा कि आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाओगे। जिस तरह से स्कूल में बिना प्रॉपर टाइम टेबल के स्कूल अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह से आपको स्कूल के बाद जो आपका टाइम बचता है ना, उस टाइम पे भी आपको उस टाइम को भी आपने क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। एक तरह से आपको घर पे भी एक छोटा सा टाइम टेबल बना के रखना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कितने घंटे सोना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, होमवर्क कितने समय में आपको ख़त्म करना है, खाना कितने टाइम में खाना है, खेलना कितना है ना। और आजकल जैसा होता है सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बच्चे इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, है ना, अपना ढेर सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर टाइम बना के रखना चाहिए, टाइम टेबल बना के रखना चाहिए कि मेरे को अगर सोशल मीडिया भी यूज़ करना है तो उसका भी एक समझो कि आपको रखना है कि 10-15 मिनट, या बड़ा ये करना है तो समझो आधा घंटा यूज़ करो पूरे दिन में, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक बार शुरू हो गए यूज़ करने के लिए सोशल मीडिया और आप ये लगातार यूज़ करते ही जा रहे हो, इससे आपका टोटल टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। जो समय आप पढ़ने में लगा सकते थे वो आपने रील्स देखने में वेस्ट कर दिया, जो समय आप एक्सरसाइज करने में यूज़ कर सकते थे अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, वो भी आपने टीवी देखने में वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके मन में, आप इसको भी तुम लिख सकते हो घर में बैठ के, है ना, आपको क्या करना है, घर में एक छोटा सा टाइम टेबल बना लेना है कि कैसे कैसे जो आप स्कूल के आने के बाद जो बचा हुआ समय है वो कैसे कैसे आपने व्यतीत करना है, कैसे उसको स्पेंड करना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जीवन अच्छे से चलेगा, इससे आप जिस लक्ष्य के लिए पढ़ रहे हो, जो तुम्हारा एम है, वो एम की तरफ तुम रोजाना एक कदम आगे की तरफ बढ़ाओगे और जिंदगी में आप एक ना एक दिन जो है सफल जरूर हो जाओगे। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समय का सदुपयोग करोगे और अपनी जिंदगी का जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। थैंक यू वेरी मच।